नमस्कार, मैं नीरज बंगड़वा आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी सी एस एन नेट यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को पता ही, हमने एक 1000 क्वेश्चन सुपर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसी के रिगार्डिंग हमारा एक न्यू चैप्टर और ऐड हो रहा है, तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन हम ईएमटी के स्टार्ट कर रखे हैं, तो ईएमटी के क्वेश्चन ही हम करेंगे, ठीक है। आज भी हम ईएमटी के क्वेश्चन ही करेंगे, तो इसी तरह जैसे अभी 2 4 दिन हम ईएमटी करेंगे, फिर हम मैथमेटिकल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम सभी सब्जेक्ट ले लेंगे, जिससे आपके पेपर में काफ़ी हेल्प हो जाएगी, जिससे आपके पेपर में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और आप लोगों को पता है, एग्जाम अभी नज़दीक आ ही चुका आप लोगों का। जैसे आपको पता है भाई, यूजीसी ने तो अपने एनटीए के लिए, तो यूजीसी नेट, जो यूजीसी का नेट होता है, एनटीए ने उसकी डेट तो डिक्लेयर कर भी दी, अनाउंस भी कर दी है। तो एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में होगा, तो सीएसआर का भी जल्दी एग्जाम होने वाला ही है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, 50 क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये 51 क्वेश्चन है, ठीक है। इफ ए यानी एक्स वाई जेड मतलब वेक्टर पोटेंशियल आपका है, दैट इज माइनस ऑफ वाई आई प्लस में टू ऑफ एक्स जे, दिस वन टू ऑफ एक्स जे, देन फाइंड बी, जो आपका ए से एसोसिएट है। तो उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए आई प्लस जे, ऑप्शन बी माइनस आई प्लस जे प्लस के, ऑप्शन सी दैट इज थ्री ऑफ के, ऑप्शन डी दैट इज माइनस आई प्लस में टू ऑफ के, ये हमें करना है। तो भाई फटाफट निकाल के दे दीजिए, फटाफट निकाल के दे दीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। बराबर निकाल दीजिए भी क्वेश्चन को। तो भी आपको मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ए आपको गिवन है, सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ए आपको गिवन है एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई आई प्लस में टू ऑफ एक्स जे, दिस वन, ठीक है। ए हमें गिवन है, यहाँ से बी निकालना, जो भी इससे एसोसिएट है, या उल्टा बोल दीजिए, बी से आपका एक मैग्नेटिक पोटेंशियल एसोसिएट है। तो हम जानते हैं, हम सभी फैमिलियर है भाई, आपका जो बी होता है, दैट इज डेल क्रॉस ऑफ ए, मतलब कर्ल ऑफ आपका ए रहेगा, ये होता है। तो डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू, तो वी कैन राइट इन दिस वे, आई जे एंड के, कर्ली बाय कर्ली ऑफ एक्स एंड कर्ली बाय कर्ली ऑफ वाई एंड कर्ली बाय कर्ली ऑफ जेड, एंड हियर ए इज दैट इज माइनस ऑफ वाई एंड टू ऑफ एक्स एंड विच इज इक्वल टू 0, बिकॉज वी कैन राइट लाइक दिस वन, जीरो ऑफ के वी कैन राइट, ओके। तो इफ वी सॉल्व फॉर एक्स एक्सिस, देन दिस लाइन एंड दिस लाइन दैट कैंसिल आउट, एंड कर्ली बाय मल्टीप्लाई बाय 0 एंड कर्ली बाय कर्ली जेड मल्टीप्लाई बाय जेड, तो आई के लिए आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेटली 0 हो जाएगा। माइनस ऑफ जे, तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, आई के लिए हो गया आपका 0, जे के लिए आपका ये वाली छोड़ लीजिए, ये वाली छोड़ दीजिए, कर्ली बाय कर्ली एक्स 0 एंड कर्ली बाय कर्ली जेड, जे के लिए भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। बात करें हम के के लिए, तो के के लिए क्या हो जाएगा अभी आपका, दैट इज दिस वन एंड दिस वन गेट कैंसिल, एंड कर्ली बाय कर्ली ऑफ एक्स विच मीन्स 2, एंड कर्ली बाय कर्ली विच मीन्स माइनस माइनस ऑफ 1 विच मीन्स 3 ऑफ के, विच मीन्स 3 ऑफ के, ये आपका आंसर आ गया भाई, ये आपका आंसर आ गया। आंसर कौन सा हो गया आपका, सी ऑप्शन हो गया आंसर आपका, कौन सा हो गया, सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी आगे हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूजीसी नेट होता है, जिस तरह सीएसआई नेट होता है, उसी तरह के यूजीसी नेट भी होता है, ठीक। दोनों को एनटीए ही कंडक्ट हुआ था, एनटीए ने यूजीसी नेट की डेट अनाउंस की है
आपका एग्जाम कब होगा? जो अक्टूबर और नवंबर में आपका एग्जाम है, तो एक्सपेक्टेड हमारा एग्जाम भी नवंबर के आसपास हो जाएगा या अक्टूबर के लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम के लिए हमें अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, एग्जाम के लिए हमें अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो प्रिपेयर्ड कैसे रहेंगे भैया? हमारा सिलेबस कवर होना चाहिए, मतलब कंप्लीट हमने अच्छे से कर लेना चाहिए, उसके साथ रिवीजन होने चाहिए। अगर आपका सिलेबस ही नहीं तो आप कैसे एग्जाम क्वालिफाई करोगे, ठीक है। तो भाई इसके लिए आपको, अगर आपको लिमिटेड टाइम में अपना सिलेबस कवर करना है, तो आपके लिए बहुत, आपके पास एक बहुत अच्छी अच्छा प्लेटफॉर्म है, दैट इज अनअकैडमी। दैट इज अनअकैडमी, आप ऐसा कीजिए, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद सिलेक्ट योर गोल में CSR UGC NET, CSR UGC NET सेलेक्ट कर लेना। आफ्टर दैट भाई यहाँ पर मेरा नाम सर्च करना, नीरज मुंगड़वा, ठीक है। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल आ जाएगा, अगर नहीं दिखाई दे तो सी ऑल में जाना, तो मुझे फॉलो करना, मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर जब भी मेरी क्लास होगी, मेरी क्लास आगे से 9 PM पे ही होगी, आज भी 9 PM पे क्लास है, ठीक है, 9 PM पे ही मेरी क्लास रहेगी, ठीक है। इसको मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करना, ऐसे ही खुल जाएगा, ये मेरा प्लस कोर्स है, और ये क्लास आप सीयूएल में जाना, 85+ क्लास हो चुकी है, जो स्पेशल क्लास है, उसमें सब तरह के टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ओप एम कम्प्लीट है, डिजिटल आपकी कम्प्लीट है, फिर हम बात करें क्वांटम है, थर्मोडायनेमिक्स है, मैथमेटिक्स है, बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर रखे, ये सभी अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ बात करें प्लस कोर्स की, तो प्लस में भी एक सब्जेक्ट के लिए पूरा कंप्लीट करवाया जाता है, प्लस में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको प्लस कोर्स लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए फॉर 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month। आई सजेस्ट एटलीस्ट 12 month का लीजिए, 12 month का 963 पर मंथ के हिसाब से 11,550 रुपये का पड़ेगा। इस पे भी आपको चलो ऑफ दिलवा देते हैं, ये कोड यूज़ कर लेना, NRJ10, NRJ10 कोड यूज़ कर लेना, NRJ10 कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। 10% ऑफ मिलने के बाद, 10% ऑफ मिलने के बाद आपका जो 11,550 रुपये बच रहा था, वो कट के अब 10,395 रुपये रह गया, ठीक है। मतलब भाई एक साल के लिए मतलब 12 महीनों के लिए 10,000 रुपये, और ऑल एग्जाम जितने भी एग्जाम है, CSR हुआ, गेट, जेस्ट, TIFR, BARC, सब के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, और अच्छे वाली प्रिपरेशन हो जाएगी। आप सीरियसली पढ़ोगे तो आपका एग्जाम भी क्वालिफाई होगा, और JRF की हम बात करें तो 31,000 रुपये पर मंथ, और HRA अलग से मिलेगा, मतलब जो पैसा आप एक साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, 10 डेज में आपके पास वापिस आ जाएगा। इससे ज़्यादा फायदेमंद का सौदा क्या लोगे? कोड अपना यही है भाई, NRJ10, कोड अपना यही है, NRJ10। तो पेमेंट की बात करें भी, आप डेबिट क्रेडिट से पे कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। अगर भाई एक बार पैसा नहीं है तो आपकी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हो, दैट इज EMI करवा लीजिए, नो कॉस्ट EMI है, डेबिट और क्रेडिट दोनों पे है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ चार्ज नहीं लगेगा भाई, 10,000 रुपये है और 10,000 लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सब फायदा है अनअकैडमी से। तो बात करें भी, अब प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उसका फायदा क्या है? मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, पूरा CSR का पैकेज मिलेगा भाई, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट है, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस और लाइफ साइंस, मतलब बीच सभी सब्जेक्ट है, अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा कोई सीन है ही नहीं भाई, आपने ये कोड यूज कर लिया NRJ10, आपको सिर्फ मेरी ही वीडियो देखने को मिलेगी, नहीं, CSR के प्लेटफॉर्म पे जितने भी एजुकेटर आपको सबकी वीडियो का एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है भाई आपका NRJ10 कोड यूज कर लेना, आपको 10% आपको ऑफ मिलेगा, और उसके बाद आपको अनलिमिटेड आपको क्या मिलेगा? एक्सेस मिलेगा, कोई वो नहीं रहेगा रेस्ट्रिक्शन। डाउट सेशन होंगे भाई सभी क्लासों के बाद, हर तीसरी क्लास में मैंने भी डाउट सेशन लिए है, PDF मिलेगा वैसे भी क्लासों का, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा मुझसे भी और बाकी फैकल्टी से भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज होंगे भाई, और होमवर्क दिया जाएगा। ये सब फायदे अभी आपके अनअकैडमी प्लस पे जुड़ने के, सब फायदे आपके अनअकैडमी प्लस से जुड़ने के है, ठीक है। तो इन फायदों के बेस पे आप आराम से, ये जब आपका इस तरह का रूटीन हो जाएगा, तो आपका एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा,
कॉर्ड क्या है भाई अपना एन आर जे 10 जो आपको 10% ऑफ देगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। ठीक है, तो अगर आप सीरियसली एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको कंसीडर करना चाहिए। क्वेश्चन लिखिए भाई 52। कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर सिलैंडरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ऑफ रेडियस आर विद इट्स एक्सिस अलोंग जेड डायरेक्शन एंड कैरीज करंट 1 एम्पियर। कैरीज करंट 1 एम्पियर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी? ऑप्शन देखिए भाई, दैट इज डेल क्रॉस बी विच इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी देखिए भाई, डेल क्रॉस बी म्यू नोट बाय पाई आर स्क्वेयर जेड डायरेक्शन एवरीवेयर। ऑप्शन सी में चलिए भाई, डेल क्रॉस बी 0 व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, मतलब आउटसाइड की रीजन की बात कर रहे हैं। डी की बात करें तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई पाई आर स्क्वेयर और जेड डायरेक्शन व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे। बेसिकली क्या बोला इसने, क्या बोला भाई आपको, एक आपके पास एक बहुत बड़ा सिलेंडर जो इनफाइनाइट है और कंडक्टर है भाई वो, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, उसमें 1 एम्पियर का करंट जा रहा है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके लिए ट्रू होगी? तो बेसिकली हमें अगर देखा जाए तो डेल क्रॉस बी ही निकालना है, डेल क्रॉस बी ही निकालना, क्योंकि आप ऑप्शन में देखिए सब जगह डेल क्रॉस बी ही आपसे पूछा गया। तो पहले बी निकाले और फिर डेल क्रॉस बी निकाल दीजिए फटाफट, पहले बी निकाले और फिर डेल क्रॉस बी निकाल दीजिए। ठीक है, सिलेंडर का भी आपको वैसे भी याद होना चाहिए, उसके बाद चीजें आपकी आसान हो जाएगी, तो उसके बाद डेल क्रॉस भी निकल जाएगा। फटाफट कीजिए भाई फटाफट। हो जाएगा देखिए, अगर आपको याद हो सिलेंडर में कुछ इस तरह का आपका बनता है, मतलब ये इनसाइड का केस है और ये आउटसाइड का केस है, ये आपका डायरेक्टिव प्रोपोर्शन आर होता है, ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शन 1/r होता है कुछ ऐसा याद है? अरे है या नहीं है? इनसाइड और आउटसाइड में सिलेंडर में मैग्नेटिक फील्ड, तो बी किसके इक्वल होगा? बी बी किसके इक्वल होगा? दैट इज म्यू नोट आई डिवाइड बाय पाई ऑफ आर, म्यू नोट आई डिवाइड बाय पाई ऑफ आर और यहाँ पर आया 2 पाई आर। ठीक है, ये आपके आर डायरेक्शन हो जाएगी। कब होता है भाई ये? जब आउटसाइड होता, मतलब आर इज कैपिटल ग्रेटर देन, कुछ ऐसा सिलेंडर होगा ना भाई आपका, लॉन्ग सिलेंडर मतलब ये इनफाइनाइट पे है, ये इसकी रेडियस आर है, तो मैं इस पॉइंट की, यहाँ के कोई पॉइंट है इस पॉइंट की, एक गॉसियन सरफेस आप बनाओगे ना, तो
सॉरी एम्पीरियल जो लूप बनाओगे, तो वो रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जब आउटसाइड की बजाय इनसाइड की बात करें, मतलब आप आर का ही आपका यहाँ होगा, तो तब क्या होता है, दैट इज म्यू नोट आई इंटू में आर डिवाइड बाई टू पाई आर स्क्वेयर, टू पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। ये होता है, ये आर आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ये कब है, जब आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, ठीक है, ये होगा। तो अब इन दोनों केस में, दोनों केस में आप डेल क्रॉस भी निकालोगे, दोनों केस में डेल क्रॉस भी निकालोगे, तो पहले हम कर लेते हैं अभी आपका आर इज ग्रेटर देन आर, तो ये हो जाएगा अभी आपका वन बाय आर करली बाय करली आर म्यू नोट आई डिवाइड बाय टू पाई विच इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर हम डेल क्रॉस भी आर निकालेंगे जब आर इज ग्रेटर देन, तो ये आपका मतलब ग्रेटर देन के केस में आपका जीरो हो जाएगा भाई डेल क्रॉस भी। एक बार ऑप्शन की तरफ चलिए, तो एवरीवेयर वाला मतलब ये कह रहा है डेल क्रॉस भी आपका एवरीवेयर जीरो होगा। उस क्वेश्चन को अब इस ऑप्शन को थोड़ा पेंडिंग रख लीजिए, इसने कहा अभी आपका डेल क्रॉस भी आपका एवरीवेयर ये रहेगा, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया भाई, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया भाई, मतलब अब ये दो क्वेश्चन बचे। अगर आपका आउटसाइड इनसाइड भी जीरो हो गया तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर इनसाइड जीरो नहीं है तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात करें भी आउटसाइड की, बात करें आउटसाइड सॉरी मतलब इनसाइड की, मतलब आर इज लेस देन ऑफ आर, मतलब आर इज लेस देन ऑफ आर, तो ये हो जाएगा भाई आपका डेल क्रॉस बी, डी हो जाएगा आपका डेल क्रॉस बी विच इज इक्वल टू वन बाय आर करली बाय करली आर एंड म्यू नोट आई डिवाइड बाय टू पाई आर स्क्वेयर इन टू में आल्सो आर स्क्वेयर एंड आर आपका यूनिट वेक्टर, सॉरी यहाँ पर डायरेक्शन आपकी जेड आ जाएगी, डायरेक्शन आपकी जेड रहेगी, ठीक है, डायरेक्शन आपकी जेड रहेगी। तो ये हो जाएगा अभी आपका, ये हो जाएगा दैट इज इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आर स्क्वेयर हो जाएगा, आर स्क्वेयर मतलब टू आर हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज म्यू नोट आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वेयर, और यहाँ पर आपका ये बचेगा म्यू नोट आई पाई आर स्क्वेयर और आपका जेड बचेगा, कब आर इज लेस देन आर, ये आपका बच गया। तो ये ऑप्शन है अभी लेस देन आर के लिए, ये ऑप्शन है अभी लेस देन आर के लिए नहीं है, तो मतलब ऑप्शन ए भी आपका गलत है। कैसे गलत, अभी एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, मेरा कहने का मतलब जो था, मेरा कहने का मतलब ये था, इसने कहा भी डेल क्रॉस भी एवरीवेयर, मतलब इनसाइड भी और आउटसाइड भी ये रहेगा भाई, ऐसा मिला है हमें इनसाइड और आउटसाइड नहीं मिला, तो मतलब हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया। फिर इसने कहा भी आपका डेल क्रॉस भी आपका आउटसाइड की बात है भाई, आर ग्रेटर देन जी है, तो आउटसाइड में हमें ऐसा मिला नहीं मिला, वहां तो जीरो मिला, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब भाई बात करें अभी, इसने कहा डेल क्रॉस भी सब जगह जीरो मिला है भाई, सब जगह जीरो मिला नहीं, इनसाइड में तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिली, इनसाइड में तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिली है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया भाई, समझ में आया, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आपका लॉन्ग सिलेंडर है, जो जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक, उसकी करंट डेंसिटी दैट इज जे नोट आर के, उसकी करंट डेंसिटी जे नोट आर के है, जे नोट आपका एक कॉन्स्टेंट है और आर एक आपका रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी डिस्टेंस डी पे, उसके कारण मतलब एक आपका सिलेंडर है भाई, एक आपका सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, उसकी डेंसिटी जे नोट आर है, आपका ये के डायरेक्शन में है उसकी डेंसिटी, और आर एक रेडियल डिस्टेंस है, जे भाई देखो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा वो कोई सेंस नहीं पड़ेगा, और जे नोट आपका क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, किसी पॉइंट पे किसी डिस्टेंस डी पे मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, किसी डिस्टेंस डी पे मुझे क्या बना निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, और डी डिस्टेंस आपका फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर ऐसे होगा, ठीक है, डी डिस्टेंस पे मुझे क्या निकालना है भाई, आपका क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एम्पियर ला के कीजिए, मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन
मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी इनसाइड द कंडक्टर एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर. मतलब इनसाइड, अभी आपका पॉइंट आपका आउटसाइड नहीं है, ठीक है. ऑप्शन ए म्यू नोट जे नोट फाइव एंड ऑप्शन बी इज दैट इज म्यू नोट आई नोट डी म्यू नोट जे नोट डी बाय टू फाइव. आपके डायरेक्शन है इसमें, फाइव डायरेक्शन है. सी ऑप्शन रहेगा म्यू नोट जे नोट डी स्क्वायर डिवाइड बाय टू फाइव. आपके डायरेक्शन रहेगा ऑप्शन डी है म्यू नोट जे नोट डी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर एंड फाइव स्क्वायर सॉरी वाई फाइव डायरेक्शन, ठीक है. ये है, सॉल्व कीजिए भी. ये कोई सिलेंडर होगा, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है. ये आपकी एक्सिस है, ये कोई पॉइंट डी है. गॉसियन लूप एम्पिरियन लूप लोगे इस डी डिस्टेंस पे. इस डी डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है. इस डी डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है, ठीक है. निकालिए भी फटाफट. बी डॉट डी एल होता है किसके इक्वल होता है, म्यू नोट आई, यही होता है ना. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, म्यू नोट को जे इंटू में डी एस लिख सकता हूँ. करंट करंट डेंसिटी इंटू में एरिया जे इंटू में डी एस एम ए लिख सकता हूँ, ठीक है. ये आपका बी इंटू में सरकमफेरेंस हो जाएगी, टू पाई आर हो जाएगा. म्यू नोट जे क्या है, जे क्या है अभी आपका, दैट इज जे नोट आर. डी एस क्या हो जाए अभी आपका, डेफिनेटली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यहाँ पर आर दिया तो आर डी आर डी थीटा, ठीक है. यही तो होते हैं भाई रो आपका थीटा और डी जेड, यही तो कोऑर्डिनेट होते हैं आर में. तो ये आ जाएगा अभी आपका, तो ये हो जाएगा आर डी आर, आर डी आर एंड डी थीटा, ये वैल्यू आएगी भी आपकी. और लिमिट की बात करें भी, आर की वैल्यू कहाँ से हो जाएगी, जीरो से डी तक हो जाएगी. और डी थीटा की वैल्यू क्या कितनी हो जाए, जीरो टू पाई. बहुत सारे इसको फाइव भी लिखते हैं, आप फाइव लिखना चाहो तो फाइव भी लिख सकते हो, वो कोई इशू हमारे लिए नहीं है. आप फाइव लिखना चाहो तो फाइव लिख लीजिए, अदरवाइज थीटा लिखना चाहो तो थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है. तो भाई आपका म्यू नोट बाहर, जे नोट बाहर, जीरो से डी, जीरो से टू पाई एंड आर स्केयर डी आर डी फाई, जैसा करना है थीटा लिखना, ठीक है. तो इसको क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, म्यू नोट जे नोट बाय आर क्यूब बाय थ्री जीरो से डी, और इंटीग्रेशन आपका जीरो से टू पाई और यहाँ पर डी फाई. मतलब टू पाई मल्टीप्लाई में म्यू नोट जे नोट डिवाइड बाय थ्री डी क्यूब, यही हुआ. किसके इक्वल है, बी इंटू में टू पाई आर इज इक्वल टू टू पाई मल्टीप्लाई में म्यू नोट जे नोट डी क्यूब बाय थ्री. टू पाई से टू पाई गया, टू पाई से टू पाई गया, ठीक है. और एक छोटी सी बात भाई, एक छोटी सी बात, ये आर नहीं लेना, ये मुझे डी लेना है, क्योंकि डी मेरा डिस्टेंस है, डी मेरा डिस्टेंस है. तो ये मेरा डी रहेगा, डी से आपका डी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, म्यू नोट जे नोट डी स्क्वायर बाय टू. और कुछ बचेगा, ये ऑप्शन आ गया भाई, नहीं टू नहीं, ये आपका थ्री, ये ऑप्शन आ गया. ऑप्शन में चले, ऑप्शन ऐसा कोई ऑप्शन है म्यू नोट, ओके मैं एक मिनट ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन देख लेता हूँ. ओके भाई यहाँ पर मुझसे लिखने में मिस्टेक हुई, ये आपका थ्री ऑप्शन है, ये आपका थ्री ऑप्शन है, ठीक है. तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है. तो ऑप्शन आपका जो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, वही ऑप्शन है. ये अभी मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई, तो ये सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, ठीक है.
आगे चलते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग होलो सिलेंडर, ऑफ रेडियस आर, ठीक है, कैरिंग ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, कैरिंग ए सरफेस चार्ज डेंसिटी एस इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस करंट इज, ऑप्शन ए सिग्मा आर डब्ल्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है भैया, पर सिग्मा आर डब्ल्यू, ऑप्शन बी टू सिग्मा आर डब्ल्यू, ऑप्शन सी दैट इज पाई सिग्मा आर डब्ल्यू, ऑप्शन डी टू पाई सिग्मा आर डब्ल्यू। ये आपको ऑप्शन दिए गए, अभी ये आपको ऑप्शन दिए गए, मतलब आपका एक होलो सिलेंडर है, सिलेंडर है भाई आपको, मतलब वो क्या होता है, एक होलो सिलेंडर, एक शीट होती है, शीट को आपने कुछ इस तरह फोल्ड कर दिया, मतलब एक शीट टाइप का आपका सिस्टम है जो लेयर सिलेंडर, जस्ट लाइक आप रिंग, रिंग को एक रिंग के ऊपर एक दूसरी रिंग, दूसरी तीसरी रिंग, रिंग आप लगाते चलो, लगाते चलो, लगाते चलो, तो वो एक होलो सिलेंडर बन जाएगा आपका, एक होलो सिलेंडर बन जाएगा, मतलब उसके पास एक खाली क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है, मेरे कहने का जो मतलब है, अगर उनके जो हम बात करें उसकी एक सरकमफेरेंस है, कुछ लाइक मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो होलो सिलेंडर का पास मिल जाएगा, मिल जाएगा, जस्ट लाइक ये पेन है, ये पेन हमारा सिलेंडर की तरह ही है, और इसमें से मैं ये निकाल दूँ, ये आपका, मतलब ये आपका अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक सर, ये आपकी सिर्फ ये सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस है, ऐसे ऐसे ऐसे, जब मैं इसको कट करूँगा, कट करता जाऊँगा, डिस्क नहीं मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, रिंग मिलेगा, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, रिंग मिलेगा, सरफेस करंट निकालना भी बता दीजिए फटाफट। देखना भाई, अगर हम बात करें सिस्टम में अभी करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, करंट की बेसिक डेफिनेशन पे जाओ, क्यू बाय टी होता है, करंट की बेसिक डेफिनेशन पे जाओ दैट इज क्यू बाय टी होता है, तो क्यू किसके इक्वल होगा भाई, क्यू 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 किसके इक्वल होगा, दैट इज आपका क्या होगा, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है डिवाइड बाय, सॉरी सरफेस, मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी किसके इक्वल होती है, क्यू डिवाइड बाय सरफेस, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब टू पाई उसकी क्या रेडियस दे रखी, दैट इज आर रेडियस, तो ये आपका आर हो गया, मल्टीप्लाई में सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा डिवाइड बाय टी, ठीक है, तो ओमेगा किसके इक्वल होता है, दैट इज टू पाई न्यू या टू पाई या आज क्या हो गया, 2 पाई बाय टी, तो मतलब ये हो गया भाई 2 पाई बाय टी, मतलब ओमेगा आर सिग्मा, ये हो गया भाई आपका करंट, ओमेगा आर सिग्मा, ये हो गया भाई आपका करंट, तो ऐसा कोई ऑप्शन है,
ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है, ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। अब इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 में इसी में पूछा है भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पोटेंशियल भी बता दीजिए सेम कंडीशन पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल लिख लीजिए और अच्छे से लिखना, तो ठीक है या लिखा हुआ अभी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एट ए डिस्टेंस, फ्रॉम इस एक्सिस, ऑप्शन आपके रहेंगे भाई, ऑप्शन आपके रहेंगे दैट इज 2 पाई सिग्मा आर ओमेगा आर, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड निकालना, ठीक है, ऑप्शन बी आपका रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा म्यू नोट सिग्मा आर ओमेगा आर, ऑप्शन सी रहेगा भी आपका, ऑप्शन सी रहेगा आपका म्यू नोट सिग्मा आर ओमेगा आर डिवाइड बाय 2, ऑप्शन डी रहेगा भी आपका म्यू नोट सिग्मा आर ओमेगा आर डिवाइड बाय 4, ये ऑप्शन है भी आपके, ये ऑप्शन है। आपको मतलब क्या, आपके पास सिलेंडर के इनसाइड हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल निकालना है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हमें निकालना है इनसाइड द सिलेंडर, करंट हमारा किसके इक्वल है, करंट हमारा है दैट इज सिग्मा ओमेगा। अब हमसे पूछा गया ए, अब हमसे पूछा गया ए, तो हमें पता है ए डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, बी डॉट डी एस, बी किसके इक्वल होता है म्यू नॉट आई, बी किसके इक्वल होता है म्यू नॉट आई, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अभी आपका दैट इज म्यू नोट आई, और एरिया सिलेंडर का, होलो सिलेंडर का एरिया विच मीन्स पाई आर स्क्वायर, विच मीन्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर हमने क्यों लिया भाई, इनसाइड की बात है, मतलब हमने कोई एक ना एक लूप बनानी पड़ेगी, तो ये हमारे पास आ गया ए इनटू में, अब भाई सरकमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर, भाई क्या होगा कुछ इस तरह होगा आपका, ये होलो सिलेंडर है, ये होलो सिलेंडर है किसी, ये इसकी एक्सिस होगी, इस एक्सिस से कोई आर डिस्टेंस की हमने बात की होगी, तो इस आर डिस्टेंस पे एक लूप बनानी पड़ेगी एम्पीरियल लूप, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल आर की बजाय स्मॉल आर लिया, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। तो ये हो गया अभी आपका म्यू नोट आई इंटू में पाई आर स्क्वायर, आई हमारा किसके इक्वल है, म्यू नोट इंटू में सिग्मा ओमेगा आर इंटू में पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए इंटू में 2 पाई आर, ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, आर से आर गया, ठीक है, तो ये हमारा बचेगा भाई, ये हमारा बचेगा म्यू नोट सिग्मा ओमेगा आर इंटू में स्मॉल आर डिवाइड बाय 2, ऑप्शन देखिए भाई ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए ऐसा ऑप्शन है सी ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन है सी ऑप्शन, तो आपका सी ऑप्शन एग्जैक्टली सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन एग्जैक्टली आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपको करवाए हैं, आज हम थोड़े कम ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ड्यू टू सम आई हैव लिटिल बिट प्रॉब्लम, मतलब सम वर्क प्रॉब्लम, इसके कारण मैं थोड़े कम ही क्लास का टाइम थोड़ा ले पाया, आशा करते हैं 1-2 दिन में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी और हम कंप्लीट
नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। कल भी हम EMT के क्वेश्चन ही करेंगे, आज मतलब टुडे 9 PM पे क्लास होगी भाई आपकी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे, स्पेशल क्लास होगी भाई। तो आई होप आप डेफिनेटली आओगे, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और स्पेशल पे भाई और भी आपकी क्लास अवेलेबल है, आप वे भी पुराने देख सकते हो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे कल फिर, बाय बाय।